सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज आप सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बता दें, जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आज आप किन किन चीज़ों से लेकर अलर्ट रहेंगे। आखिर ऐसी कौन कौन सी कार्य करने से आपके जीवन में धन दौलत रुपये पैसे बिजनेस कारोबार के मामले में भी वृद्धि होगी। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं 2 अप्रैल शुक्रवार 2021 के आपके राशिफल के बारे में। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिन्हें आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। दिन आज शुक्रवार का रहेगा और महीना जो है वो चैत्र का रहेगा। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि बन रही है, जो कि यह सुबह के 8:15 तक चलता रहेगा और इसके आगे कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और इसके आगे 6 तिथि प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नामक नक्षत्र बन रहा है, जो कि यह रात्रि के 3:44 तक चलता रहेगा और इसके आगे मूल नामक नक्षत्र जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो व्यातिपात नामक योग बन रहा है, जो कि यह सुबह के 11:40 तक चलता रहेगा और इसके आगे वरियान नामक योग जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहने वाला है सुबह के 6:21 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के 6:38 पर और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा अगले दिन के ठीक रात्रि के 11:50 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा अगले दिन के सुबह के 10:46 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा वृश्चिक राशि पर, इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा, जो कि यह रात्रि के 3:44 तक चलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं शुभ काल यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह दोपहर 12:05 से लेकर ठीक 12:54 तक चलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 10:58 से लेकर ठीक दोपहर 12:30 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, आप राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य को बिल्कुल भी न करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, कॉन्फिडेंस तो यह है जब आपको पसंद ना करे तब भी आप ठीक हो। अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बन जाऊंगा पूरी दुनिया देखेगी। अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं तो वो आप हासिल भी कर सकती हैं, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता उसकी शोर मचा दे। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं डेली राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे। वृषभ राशि का दैनिक राशिफल, आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझना और इस कला को पारंगत करने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी है, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी है। स्वास्थ्य और कल्याण राशि फल की बात करें तो अगर आप आज पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ऑफिस और घर दोनों ही जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रयास संभव सी उलझने में फंस कर रह जाएंगे, जिसका आपको कोई कारण भी समझ नहीं आएगा। टीम के रूप में काम करेंगे तो ये समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो सकती है। टीम प्रयास और सहयोग आज आपके लिए किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करने की पूंजी है। प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो ग्रहों की स्थिति दर्शाती है
कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है। इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही में प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों पर और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं न दें। इसके स्थान पर उनकी हर भाव भंगिमा को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। करियर और धनराशि फल की बात करें तो बदलाव आपके करियर में संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन आपको आनंद देगा और आपको नई नौकरी की पेशकश मिल सकती है या एक नई विभाग में आपको स्थानांतरित किया जा सकता है। पदोन्नति का भी संकेत मिल रहा है। आप नई नौकरी जिम्मेदारी से प्यार करेंगे और अपने आप को साबित करने की उत्साह में भर जाएंगे। आप अपनी कार्य क्षमताओं से हर किसी को भी प्रभावित करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आज के दिन लक्ष्मी माता को सच्चे मन से पुकारने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।